तो अगर आप अपने जो रिसेंट ऐप्स हैं उनको ब्लर करना चाहते हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि ऐसे ब्लर करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करें, तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं ये वाला हम ऐप ओपन कर देते हैं तो इन्हें हम ब्लर नहीं किया है, तो देख सकते हैं आप फ़र्क देख सकते हैं, जैसे कि ये ब्लर किया नहीं है तो इसका जो रिसेंट ऐप का प्रीव्यू है वो हमें ऐसा दिख रहा है। तो ये दूसरे ऐप है जो हमने इनेबल किए हैं ब्लर ब्लर ऑप्शन या फिर फीचर, तो आप देख सकते हैं ये ब्लर है। तो इसके लिए आप क्या करें, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये जो सेटिंग्स का ऑप्शन है इसमें जाना है आपके मोबाइल के, और फिर बाद में आपको होम स्क्रीन में जाना है या फिर जिधर भी आपका ब्लर का ऑप्शन आपको ढूंढना है सेटिंग्स में जाके उधर जाए। तो होम स्क्रीन में हम गए और हम देख सकते हैं अभी जो लास्ट का ऑप्शन है होम स्क्रीन में रिसेंट्स का ऑप्शन में जाके आप देख सकते हैं कि ये ब्लर ऐप प्रीव्यूज दिया है हमें। तो ब्लर ऐप प्रीव्यूज़ में हम जाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, बहुत जितने भी हमारे फ़ोन में ऐप्स है वो हमें दिखने लगेंगे। तो जैसे कि हमने ये सब ऐप्स को हमें जैसे हम ओपन करते हैं कि इनके जो प्रीव्यू रहेंगे रिसेंट ऐप्स के वो हमें ब्लर दिखेंगे। तो हमने जैसे अभी ये जो ई पाठशाला ऐप है ये इसका हमने इसे हमने ब्लर में नहीं डाला है, तो हम जैसे इसे हम ब्लर में डाल देते हैं तो ये जैसे हमने ये ऑप्शन इनेबल कर दिया तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा ई पाठशाला ऐप अभी ब्लर दिख रहा है। आप देख सकते हैं ये हमारा ब्लर हो गया। तो जैसे हम इसे फिर से डिजेबल कर देते हैं इस ऑप्शन को ई पाठशाला के लिए, तो आप देख सकते हैं ये हमने डिजेबल कर दिया, फिर देख सकते हैं कि ये पाठशाला ऐप अभी क्लियर क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है हमें। तो इस तरह से आप अगर करना चाहते हैं तो जो भी मैंने बताया सेटिंग्स होम स्क्रीन में जाके आप वो ब्लर ऐप प्रीव्यूस में आपको जाके जो भी आपको इनेबल करना है उसे आप कर दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कर दीजिए।